मोदी सरकार, मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राउंड दिया बाजे बड़ो, राउंड एक बाजे बड़ो। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मुद्रा सरकार, मुद्रा सरकार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज 23 दिसंबर, 13 दिसंबर को संसद में घटना घटी, उसके 10 दिन आज पूरे हो चुके हैं। और 13 दिसंबर को जो संसद में घटना घटी थी, बेहद शर्मनाक घटना थी। वहाँ कुछ लोग संसद में घुस आए और उन्होंने संसद में हल्ला किया, उत्पात मचाया। अब ये घटना इतनी, देश की संसद ही जब सुरक्षित नहीं है तब देश क्या सुरक्षित होगा, इसको लेकर सवाल उठने शुरू हुए। और ये सवाल पूछा किसने? विपक्ष ने। अगर सरकार है तो सरकार के सामने सवाल पूछेगा कौन? विपक्ष पूछेगा। विपक्ष ने ये सवाल पूछा। और कहीं हमारे देश में हम जहां बोलते हैं कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसी नाते संसद में विपक्षी सांसद जब प्ले कार्ड लेकर आए तो चरणबद्ध तरीके से एक एक करते हुए 144 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया। उसके बाद संसद में बिना सांसदों की एंट्री के विपक्षी सांसद नहीं है। ऐसे में देश की सरकार ने कुछ ऐसे विधेयक पारित किए जो विधेयक शायद वो सांसद रहते तो पारित होते ना भी होते, और अगर होते तो उनमें शायद सरकार को संशोधन करने की नौबत आ सकती थी। क्योंकि जाहिर बात है, लोकसभा में भले ही भाजपा सरकार का बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार हर बार मात खाती रही है। तो यहाँ उनको ये डर था कि ये विधेयक हम पास कर पाएंगे कि नहीं। उसमें एक बड़ा विधेयक ये है कि चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया है, उसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उस समिति में सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका भी समावेश होना चाहिए, तो उसको पहले उन्होंने उस आदेश को सरकार ने उसी समय एक बिल लाकर उसको आदेश को रद्द कर दिया था। और उसको अब नया बिल लाकर कानून में पारित कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर एक कैबिनेट मंत्री, ऐसे 3 सदस्य रहेंगे जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। तो ऐसे कई बिल बीजेपी ने पास किए, जिसके बाद लगातार बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार का विरोध शुरू है। और सिर्फ संसद में ही नहीं, देश भर में लोग, खासकर विपक्षी पार्टियां सरकार के विरुद्ध रोड पर उतरी है, सड़क पर उतरी है। इस समय हम वसई डिपो के यहाँ पर हैं, जहाँ पर वसई विरार जिला कांग्रेस, वसई के अनिल अल्मोड़ा जी कांग्रेस अध्यक्ष है, ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनका कुछ कहना है। नमस्कार, आज का विषय आपका निषेध प्रदर्शन का क्या है? नहीं, आप सभी को मालूम है, अभी संसद चालू था, 2 दिन पहले संसद का अधिवेशन एक दिन पहले ही खत्म कर दिया। उस संसद में षड्यंत्र करके उनको जो कानून पास करने के थे, जो विधेयक पास करने के थे, इसके लिए उन्होंने जानबूझ के जो विरोध कर रहे थे, आपको मालूम है कि 13 दिसंबर 2001 को अतिरेकी ने हल्ला किया था संसद पे, और वही दिन और घुसपैठिए 4-5 घुसपैठिए लोकसभा में, संसद में घुस गए, और उन्होंने जो उधर कांड किया उसकी जिम्मेदारी गृहमंत्री की है। गृहमंत्री को निवेदन करने के लिए बोला सांसद ने, तो उनको निष्ठातीत करने का काम बीजेपी ने किया, और करीबन लोकसभा और राज्यसभा में 140 खासदार को निष्ठातीत करके कुछ विधेयक लास्ट आखिरी दिन में जो पास किए, उससे सर्वसामान्य जनता का, जनसामान्यों का आवाज़ बंद करने का उनका इरादा है। और फैसिस्ट सत्ता, एकाधिकारशाही की तरफ जाते हुए ये बीजेपी सरकार दिख रही है, इसका विरोध करने के लिए वसई विरार जिला कांग्रेस और नवगर मानिकपुर ब्लॉक, यहाँ से हम आंदोलन कर रहे हैं और एक निवेदन राष्ट्रपति को देने वाले हैं कि जो मनमानी चल रही है बीजेपी सरकार की और मोदी सरकार की, इसका निषेध व्यक्त करके उसका जो भी विधेयक पास किया है उसका कायदे में रूपांतर नहीं होना चाहिए, जनसामान्यों का मत लेना ही चाहिए, और जो चुन के आए हुए प्रतिनिधि है उनको निष्ठातित करना, ये लोकशाही को पकड़ एक करके नहीं है,
तो डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए आज का हमारा आंदोलन है। आप पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कल भी एक बड़ा आंदोलन था जिसमें इंडिया गठबंधन है उसके कई अलग अलग गठबंधन के लोग शामिल थे, लेकिन आज सिर्फ यहाँ कांग्रेस दिखाई दे रही, तो क्या ऐसा विषय है कि कल वो आपके साथ थे आज साथ खड़े नहीं है, या आज आपका अपना सिर्फ है? नहीं, आंदोलन तो इंडिया आघाड़ी ने पूरे देश भर कल का दिन था, मगर दोनों आंदोलन आज यहाँ पुलिस का परमिशन कल हमको नहीं मिला था, आज मिला है। इसके लिए नवगढ़ मानिकपुर के ए ब्लॉक, हमारा जो नवगढ़ मानिकपुर कांग्रेस का ब्लॉक है, यहाँ से आज हम आंदोलन कर रहे हैं। इंडिया आघाड़ी वाले सब हमारे साथ रहेंगे, आने वाले समय में इंडिया आघाड़ी वसई के बारे में बात करने को जाएंगे, तो वसई में भी जो मनमानी चल रही है इसका भी विरोध हम बारी बारी में करते आए हैं। वो विरोध करने के लिए गए 30 साल से जो भी एक हाथी सत्ता है और मनमानी कारोबार चल रहा है इसका भी विरोध हम करते आए, आने वाले समय में भी करेंगे और इंडिया आघाड़ी को साथ में लेके करने वाले। एक आखिरी सवाल, देश की शान, विदेशों में जाकर देश का नाम ऊँचा करने वाले जो खिलाड़ी है, उन खिलाड़ियों में से कल एक खिलाड़ी ने अपना सम्मान जो है वो रिटर्न कर दिया, वहीं साक्षी मलिक उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, तो कहीं ना कहीं इस मामले को आप कहाँ कैसे इस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी है उनके ऊपर उन्होंने जो आरोप किया है उसका अगर सुनवाई अगर नहीं होती है पंतप्रधान के यहाँ और संसद में कोई मिमिक्री करता है उसके बारे में बड़ा इशू करते हैं, इसका अंतर क्लियर है। लोगों का, जनसामान्यों के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर उनका कुछ भी ध्यान नहीं है। उनका खासदार MP के ऊपर आरोप था, जो क्रीड़ा का प्रमुख था वो भी, उसका सुनवाई नहीं हुआ। ये मनमानी कारोबार का द्योतक है, सिर्फ हम ही करेंगे, BJP वाले सब सही है, सब अपोजिशन वाले सब झूठे हैं, ऐसा इनका कहने का जो तरीका है इसका विरोध करने के लिए आज का आंदोलन है। ऐसा भी आरोप BJP पे लगता रहा है कि BJP एक वॉशिंग मशीन है जहाँ कोई भ्रष्टाचारी BJP में जाता है कि वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। क्या कहते हैं? आपने देखा रहेगा अजीत दादा पवार जिनके ऊपर पंतप्रधान ने खुद 70,000 करोड़ का घोटाले का बात किया और पांचवें दिन उसको BJP में सरकार में ले लिया, मंत्री बनाया। कोई एग्जांपल है कि उनके पास गया तो वो क्लियर हो गया, उनके साथ सत्ता में आओ अपोजिशन रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा इनका इरादा है, होने वाला नहीं है। 2024 के इलेक्शन में जनता इनकी जगह इनको दिखाने वाली है। लोकतंत्र में जहां एक तरह से मजबूत पक्ष होना चाहिए तो वहीं मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए ताकि देश की जनता की आवाज़ मुखरता से उठाई जा सके, लेकिन फिलहाल विपक्ष को यहाँ कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक अलग ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जिससे आने वाले समय में देश की साख को जरूर बट्टा लगने वाला है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। FNews लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल FNews लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।